ये देखो सुबह इनको देखकर तुम्हारी याद आ गई। सुबह सुबह जो है चाय पोहे और सुबह की शुरुआत ऐसे हो रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया हो ना। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है कोटा में तीसरा दिन, यानी कि आज है संडे। फ्राइडे को हम लोग आए थे, सैटरडे को हम दी के यहाँ पे थे, प्राची की जो बड़ी बहन है। और आज है संडे, और संडे के दिन हमें आज वापस घर की तरफ निकलना है। तो सुबह सुबह जो है पहले चाय और पोहे खा रहे हैं बढ़िया से, उसके बाद नहा धो के तैयार होके बिल्कुल हम सीधा चलेंगे घर की तरफ। और यहाँ पे अगर मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रखा है, क्योंकि कल से हो रही है बारिश लगातार। तेज बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ठंडा सा हो गया मौसम बिल्कुल। एज यूजुअल गोली की कंप्लेन रहेगी कि अब मुझे हमेशा आप खाते हुए क्यों दिखाते। चाय बिस्किट पोहे, और स्पेशली पोहे के साथ इसने मंगाई है टमाटो सॉस केचप। क्यों भाई ऐसा क्यों? थोड़ा सा टेस्ट के लिए। नहीं नहीं, डाइट अच्छी होनी चाहिए यार, कुछ भी कहो डाइट बढ़िया होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम, मतलब सुबह सुबह जब हम बोलते हैं कि आप बोलते हो राधे राधे जय श्री कृष्णा। छोटे छोटे बच्चे जो है सुबह सुबह नहा लेते हैं, और इनको देखो। चार दिन हो गए जब से आया, तब से नहाया नहीं बिल्कुल भी नहीं यार। कम ऑन यार, है? कैसे लग रहा है नहा के? पापा ने नहाया? हाँ, अच्छा बच्चा नहाते हैं। मैं नहाया हूँ कल रगड़ रगड़ के, बहुत बढ़िया तरीके से नहाया हूँ। स्किन बिना नहाए मेरी चमक रही है। अब ये कौन बोल रहा है कि एक हफ्ते तक नहीं नहाएंगे? मैं नहीं, नहीं मैं नहाऊंगा, मैं आज फिर रहूंगा रात को। चलो भाई, अभी नाश्ता वास्ता हो गया बढ़िया से, और अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश भगवान जी के मंदिर में। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और हमें कुछ और सामान भी लेना है, तो दर्शन करने के बाद सामान लेके फिर सीधा निकलेंगे हम लोग दिल्ली वसुंधरा गाजियाबाद की तरफ। गणेश जी के यहाँ पे इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि शादी से पहले प्राची के घर पे जो है गणेश जी आए थे, और अभी टाइम है उनको विदा करने का। क्या है रस्म है, क्या है ये? एक रिचुअल है। फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है, मौसम भी मंजर भी मैं भी, कहते हैं बस तेरी कमी है। बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये जहां, हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। यहाँ देखो मंदिर के पीछे बना हुआ है एक कुंड, जो कि बहुत साल पुराना है। ऊपर का स्ट्रक्चर बना रखा है, नीचे वाला जो है बिल्कुल देखो पुराने टाइम का ही है, जैसे ऑटोमेटिक पत्थर से बना हुआ है। गहरा भी बहुत है। ये देखिए आप, गणपति जी के 108 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 108 नाम अगर आपको पढ़ने तो आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे गोली ने ले लिया है हाथ के लिए बैंड, ये देखो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया से दर्शन हो गए हैं गणेश भगवान जी को, वापस जो है हमने विदाई दे दी है, और अभी इसके बाद सीधा प्लान है घर जाना है, पैकिंग करनी है, और सीधा वापस निकलना है घर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग से सेवा करने के लिए बना रखा है, तो यहाँ पे भंडारा वगैरह भी होता है, तो किसी को भंडारा करवाना है तो यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे बैठने का पूरा अरेंजमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो पूरा आराम से यहाँ पे लोगों को बिठा के खाना खिला सकते हो, और यहाँ पे किचन है जहाँ पे आप खाना बनवा सकते हो लोगों के लिए। शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है, मौसम भी। ये देखो हमने पैक करा ली है कचौड़ी, ये है प्याज कचौड़ी। और कौन सी शॉप से कराई हमने? B&B। क्या बहुत पुरानी और बहुत वैसी शॉप है क्या? मानी जानी मानी। और कोटा आए और कचौड़ी नहीं खाई तो फिर तो क्या ही क्या है। और पोहे भी बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, नो डाउट। ये कचौड़ी खुशबू तो ऐसी है, पूरी गाड़ी में बैठे बैठे खुशबू फैल चुकी है, मस्त एकदम ना कचौड़ी की खुशबू आ रही है। स्माइल करो, ये कर दो। हाय मनु, मनु को हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है? चलो मनु हमारे साथ, चलो मनु चलो हमारे साथ। ये देखो ये भी आशी को दे दिया, वाओ। आप रख लो मनु, चले मनु साथ चले दिल्ली, चलो हमारे साथ।
बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयलें, महके सारा ये जहां हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बाय कर दो मन्नू, बाय बाय, आई लव यू, आई लव यू मन्नू। तो भाई फाइनली जो है कोटा को कर रहे हैं अभी अलविदा। अलविदा तो नहीं, दोबारा आना होगा बिल्कुल, और फिलहाल के लिए भी वापस जाना है। और प्राची थोड़ी इमोशनल हो गई है, लेकिन यार ये चीज़ें होती हैं जब आप पूरा अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरे घर में जाते हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी कोटा से निकल चुके हैं अभी हम लोग। एज यूजल जो है हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे पहुँचने में, अगर हमने एक सिंगल ब्रेक लिया। अगर दो ब्रेक लिए तो फिर और टाइम लगेगा, प्लस अभी पर ब्रेक का 1 घंटा मान लो। हाँ मतलब इतना टाइम तो लग ही जाता है। बस यहाँ से निकलते हैं अभी। अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, कोटा अच्छा है, लोग अच्छे हैं, प्राची की फैमिली बहुत अच्छी है, दी ने जो स्पेशल जो स्वागत किया मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, खाना उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया, तो बहुत बहुत थैंक यू दीदी अगर आप देख रहे हो तो। सभी बच्चों को प्यार, सबको मेरा नमस्ते, और फिर से दोबारा मुलाकात होगी किसी और टाइम पे, तब थोड़ा और टाइम निकाल के आएंगे। इस बार तो गोली को कोटा घुमा भी नहीं पाए ढंग से, क्योंकि एक ही दिन का टाइम था और उसमें ही बारिश हो गई। तो सिटी पार्क, ये जो सामने ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ पर बड़ा सा ग्लोब बना हुआ है, तो यहाँ का प्लान था हमारा कि जाने का, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम पूरा टाइम लेके आएंगे और अच्छे से चीज एक्सप्लोर करेंगे। कम मेरे धड़कन का मैं, मेरो दिल मेरो दिल मेरो दिल, घूम लम त्वे को मुन शर तुम मेको मिल मेको मिल मेको मिल, सुन ले ओ मेरी लाली तू फूल मैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कोटा के जितने भी सर्कल्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ बना हुआ है और बहुत अतरंगी चीजें बनी हुई है, और जहाँ नहीं बना वहाँ बन रहा है, वहाँ बन रहा है। छुड़ाली पूरी थल की बजारा, ऊंचिया पूरी थल की बजारा, ओ लाल चुन्नी कुर्ती तेरी काली पे देखी सिटी ता। ये है चंबल रिवर फ्रंट, जो कि एक तरह से पार्क बना रखा है, और ये पूरी चंबल रिवर है, और उसके दोनों तरफ जो है ना आपके टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया जगह बना रखी है, और आप वहाँ से पूरा वॉक करके पूरा घूम के जो है इधर से वापस आप जा सकते हो। तो ये इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरा टाइम चाहिए घूमने के लिए, और बीच में पूरी चंबल रिवर है। सुन ले ओ मेरी लाली तू फूल मैं छुड़ाली, पहुंची पूरी थल के बाजार। अभी बज रहे दिन के 2 और टाइम है लंच करने का, क्योंकि खाना खाए बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम लोग अभी आ रखे हैं यहाँ पे फेमस द शेखावटी ढाबा के पास। देखो वैसे तो घर से खाना पैक होके आया, लेकिन अगर कोटा आए हो और रास्ते में शेखावटी ढाबा पड़े तो खाना बहुत जरूरी है। और गोली को भी पता चलेगा शेखावटी ढाबे का क्या, मतलब मैं तब से सुन रहा हूँ जब से मैं आया हूँ शेखावटी ढाबा बहुत अच्छा है। हाँ। आज खा के देखेंगे कैसा है। बढ़िया खाना है, मैं पहले खा चुका हूँ यहाँ पे। तो चलो भाई लंच वंच करके फिर यहाँ से निकलते हैं। प्राची बताएगी यहाँ पे किस टाइप का खाना मिलता है। मेनली मतलब बेजड़ की रोटी मिलती है, चपाती मल्टीग्रेन की चपाती जिसे बोल सकते हैं, गुड़ का चूरमा मिलता है, चूरमा मिलता है, चूरमा बड़ा बढ़िया होता है भाई यहाँ पे। चलो देखते हैं। और अंदर से कुछ ऐसा है भाई, ये आ गया भाई अपना खाना घी के साथ, बढ़िया तैरता हुआ घी। वीडियो बना रहे तुम्हारी, बहुत ही तगड़ी जगह पे होगी। घी भर के डाल दो, घी भर के मेरी बस ठीक है। बढ़िया भाई बढ़िया, इसमें बस दो ही भाई बस। ये अपना दाल आ गई, कढ़ी आ गई, और अपना बाजरे की है ना, मल्टीग्रेन आटे की बनी, और उसमें दबके घी डाल रखा है भाई, बिल्कुल प्योर घी। भाई साहब पूरा साफ कर दिया है, पूरा जो है खाना साफ कर दिया, और बहुत ही बढ़िया खाना। यहाँ पे 2-3 शिकावटी है, लेकिन खाना आपको इसी वाले में है, बाकी सब मेरे ख्याल से नए होंगे, बड़े सबसे पुराना ऑथेंटिक वाला यही है। फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है, मौसम भी मंजर भी मैं भी
रहते हैं बस तेरी। कहीं बीच हाईवे में हम लोग रुक गए थे क्योंकि भाई यहाँ पे जो सनसेट है, जो सनसेट है वो इतना प्यारा हो रहा है, हमने कहा यार दो चार फोटो जरूर बनती है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। यहाँ पे लेंगे हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स और उसके बाद बढ़ेंगे सीधा अपने घर की तरफ वसुंधरा गाजियाबाद। फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है। नमस्ते। सब बढ़िया है क्या? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शैली जेटी सब बढ़िया। हम आ गए ओ गोरी तेरे चेहरे से रौनक, सुनते ले। हम आ गए, कुछ बोलती क्यों नहीं तू? और भी लगा मेरे बुकी दे, बुकी दे, बुकी बड़े बड़े नानी जी बुकी नहीं दे सकती यार। नहीं नहीं, नानी जैसी बुकी कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। जो है समय हो गया खाने का, हमें लग रहा था हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन हम बहुत ही टाइम पे पहुंच चुके हैं। जब किसी ने भी घर में खाना नहीं खाया था, और स्पेशली आज जो बनाया, आज बनाया है चिकन। तो और ये देखो इसको पकोड़े को। हेलो, मैं आ गया। तो वो चाचा को देखते ही वो ऐसे करने लग गया, कहाँ है। ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की। शुभकामनाएं हमें कॉमेंट्स पे लगातार मिलती रहती हैं, तो अच्छा लगता है कॉमेंट में देख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। और हाँ, एक चीज और है यार कि सब चीजें चलती रहेंगी लेकिन उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। नानी आप भी बोल दो, उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून। या तो सब हम सपोर्ट करेंगे भू कानून को, पूरी फैमिली। बाय बाय।